देश भर में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी, अब तक 347 मामले आए सामने। बिहार में कतर से आए कोरोना मरीज की मौत, एक और मरीज का चल रहा इलाज। कोरोना से पूरे देश में 6 लोगों की मौत, 28 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा 74 मरीज, 4 शहर पूरी तरह से बंद। रेलवे सेवाओं पर लग सकती है 25 मार्च तक रोक, चल रही बैठक। कोरोना से लड़ने के लिए जनता कर्फ्यू शुरू, पूरे देश में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक स्वैच्छिक कर्फ्यू। कर्फ्यू के दौरान लोगों के घर से ना निकलने की अपील का दिख रहा है असर, अलग अलग शहरों से सड़कों पर सन्नाटे की तस्वीरें। जनता कर्फ्यू के दौरान पेट्रोल पंप, मेडिकल शॉप, राशन की दुकानें खुली, मॉल बाजार बंद। जनता कर्फ्यू के दौरान भारतीय रेल पर ब्रेक, कल रात 12 बजे से आज रात 10 बजे तक रोक। मेडिकल स्टाफ समेत सभी लोगों के अभिवादन के लिए आज शाम 5 बजे ताली बजाएंगे लोग, प्रधानमंत्री ने की अपील। यूपी के सीएम योगी ने कहा जनता कर्फ्यू जैसे हालात के लिए तैयार रहें। दिल्ली के हर इलाके में जनता कर्फ्यू का असर, सड़कों पर नहीं दिख रही गाड़ियां। दिल्ली के करोल बाग और सदर बाजार इलाके में सड़क सुनसान, छतों से उड़ाए गए कबूतर। दिल्ली के क्रॉच प्लेस में खाली सड़कों पर खड़े दिखे पुलिस वाले, बिना जरूरत निकलने वालों को दे रहे हैं गुलाब के फूल। दिल्ली के साउथ एवेन्यू में भी पुलिस की तैनाती, फूल देकर लोगों से घर में रहने की अपील। दिल्ली में कई लोग घर से कर रहे हैं काम, कोरोना को देखते हुए बचाव के उपाय। लॉकडाउन के बाद मुंबई से वापस लौटे लोग, गोरखपुर में स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग। डीटीयू जंक्शन को कराया गया लॉकडाउन, सुबह आने वाले यात्रियों को बसों से भेजा जा रहा है। मुंबई से हजारों यात्रियों को लेकर हावड़ा पहुंचे स्पेशल ट्रेन, राज्य सरकार की तरफ से बसों में व्यवस्था। कोरोना को लेकर अलर्ट, सैनिटाइजर से साफ सफाई की व्यवस्था। चेन्नई में जनता कर्फ्यू के दौरान नई पहल, ओल्ड एज होम जाकर सैनिटाइजर और फेस मास्क दिया जा रहा है। जनता कर्फ्यू के दौरान नहीं चल रही है ट्रेनें, दिल्ली में स्टेशन की साफ सफाई का खास ख्याल। अहमदाबाद में जनता कर्फ्यू के दौरान प्रशासन की खास तैयारी, 17 गाड़ियां पूरे शहर में करेंगी डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव। कोरोना पीड़ितों के संकट से जूझ रहा है पुणे, जनता कर्फ्यू के दौरान की ड्रोन तस्वीरें। चंडीगढ़ के बाजारों में कोई चहल पहल नहीं, हर दुकान पर दिखा ताला। जनता कर्फ्यू के बीच मशहूर हस्तियों की अपील, सलमान खान ने कहा लोग एहतियात बरतें। ये जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ। प्रियंका चोपड़ा और उनके पति ने लोगों से की अपील, कोरोना वायरस से बचने के संदेश। अर्शद वारसी ने कहा 24 घंटे के लिए लगाए गए जनता कर्फ्यू का करें पालन, समझदारी से लेकर। इस बीमारी का, इस वायरस का इलाज सिर्फ समझदारी, बस आपको सिर्फ थोड़ी समझदारी से काम लेना और कुछ नहीं, इतना तो हम कर सकते हैं ना। इमरजेंसी सर्विसेज जैसे पुलिस, मेडिकल, फायर ब्रिगेड की सेवा जारी रहेगी, जनता कर्फ्यू पर इसका असर नहीं। फ्लाइट ऑपरेशन पर भी जनता कर्फ्यू का असर, कई एयरलाइंस ने आज के लिए बंद की सेवाएं, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक। जनता कर्फ्यू के दौरान मुंबई में आज सेंट्रल और वेस्टर्न लोकल की संख्या सीमित, कोंकण डिवीजन ने पूरी तरह ट्रेनें बंद की। दिल्ली में जनता कर्फ्यू के दौरान मेट्रो ठप। मुंबई, चेन्नई, नोएडा में भी मेट्रो पर आज के लिए रोक। कोरोना से पूरी तरह शटडाउन होने वाला राजस्थान, पहला राज्य का 30 मार्च तक रहेगा लॉकडाउन। राजस्थान में जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी, सब्जियां, रोजमर्रा की चीजें, मेडिकल शॉप खुली रहेंगे। ग्वालियर शहर भी 3 दिन के लिए किया गया बंद, आदेश जारी। अब प्राइवेट लैब में भी होगा कोरोना का टेस्ट, शर्तों के साथ मिली मंजूरी, टेस्ट के लिए 4500 से ज्यादा चार्ज करने पर रोक। निजी लैब सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करेंगे टेस्ट। कोरोना के डर से झारखंड में इंटरस्टेट बस सेवा पर रोक, अगले आदेश तक पाबंदी।
जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अगले आदेश तक रोक। पश्चिम बंगाल में रात 12 बजे से 31 मार्च तक दूसरे इंटरस्टेट बस सेवा पर रोक। रेलवे से भी अपील, 31 मार्च तक किसी ट्रेन को बंगाल में न आने दें। पुडुचेरी में 31 मार्च तक धारा 144 लागू, सुबह 7 से 9 और शाम 6 से 9 बजे तक कर सकते हैं खरीदारी। और असम में 5 जिलों में आज सुबह 7 बजे से लॉकडाउन, 29 मार्च तक रहेगी पाबंदी। हैदराबाद में लोगों में दिखी दहशत, बड़ी संख्या में सामान स्टॉक करते दिखे लोग। बेंगलुरु की पीजी कॉलोनी में भी दूध के लिए दिखी लाइनें। ग्वालियर में दिखी बड़ी लापरवाही, कोरोना के डर से बीच मेले का आयोजन, उमड़ी भीड़। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुणे से आई ट्रेन को लेकर दहशत, ट्रेन के हजारों यात्रियों की जांच, सबको होम क्वारंटीन के आदेश। मुंबई से गोरखपुर जाने वाली गोदान एक्सप्रेस में 16 मार्च को कोरोना के 3 मरीजों ने किया था सफर, सही यात्रियों की जांच में जुटाई यूपी प्रशासन।